उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 56 पर नरकोटा के पास निर्माणाधीन पुल का पुस्ता और सेटरिंग ढह गई है। हादसे में करीब 9 लोगों के मलबे में दबने की खबर है, जिनमें 5 को रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिससे दबे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, यह हादसा सुबह 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। पुल का निर्माण ऑल वेदर परियोजना के तहत किया जा रहा था, जिसे RCC कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल के निर्माण कार्य में लगभग 9 से 10 लोग थे। आपदा पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 56 पर नरकोटा के पास निर्माणाधीन पुल का पुस्ता और सेटरिंग ढह गई है। हादसे में करीब 9 लोगों के मलबे में दबने की खबर है, जिनमें 5 को रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिससे दबे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें, यह हादसा सुबह 9 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। पुल का निर्माण ऑल वेदर परियोजना के तहत किया जा रहा था, जिसे RCC कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल के निर्माण कार्य में लगभग 9 से 10 लोग थे। आपदा पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। उत्तराखंड की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पैगाम न्यूज और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।